इन्होंने हिंदी में तो बहुत अच्छी फिल्में बनाई, पहली फिल्म ये मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया फिल्म बनी है, आप खुद ही देखेंगे स्टोरी तो मालूम पड़ जाएगा कि स्टोरी इतनी मराठी में नहीं हो सकती है, और सचिन जी भी पूरा विश्वास है ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी, आदमी बैठने के बाद में वापस नहीं उठेगा जब तक मेरी पूरी पिक्चर नहीं होगी। तब तो निर्माता के तौर पर किस तरह के फिल्म को ज़्यादा आप निर्माण करना चाहेंगे जो समाज? मैं आज की तारीख में ऐसी फिल्म लेना चाहता हूँ कि जो इमोशनल है, तो कुछ अलग से स्टोरी बने इसकी, मला थोड़ा सा मराठीत पण बोलायचं आहे, म्हणजे मला खरोखर चांगली वाटली पिक्चर, आणि मी मुद्दामून रह्या पिक्चरला रत्नागिरीसाठी शूट केलं आहे, कारण रत्नागिरीत फार ॲक्टिव्हिटी, फार चांगल्या सिटी आहे, त्यासाठी मी पूर्णपणे ही पिक्चर रत्नागिरीतच बनवली आहे। लोकांनी अशी पिक्चर बघावी, बाकी तर रोज वेगवेगळ्या पिक्चर येतात पण अशी इमोशनल पिक्चर फार कमी येतात। फिल्म इज नेम्ड एज सेलिब्रेशन इन इंग्लिश, मराठी में सोहळा, आई डोंट नो। जहाँ तक फिल्म में मेरा किरदार है उसके बारे में मैं कहूँगा कि माई कैरेक्टर, मेरी कैरेक्टर ऐसी है कि जो क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट है, क्वाड्रिप्लेजिया इज़ अ वेरी सीरियस इंजूरी टू योर स्पाइनल कॉर्ड। ये किरदार के बारे में जब मुझे बताया गया तब मुझे एक अमेरिकन फिल्म की याद आई जिसका नाम था हूज लाइफ इज़ इट एनी वे। ये 30-35 साल पहले मैंने देखी है फिल्म, जिसमें रिचर्ड ड्रेफस और जॉन कैसावेटी, ये दो बहुत बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स थे, और रिचर्ड ड्रेफस ने जो किरदार निभाया था वही मेरे हिस्से फिल्म में आया। तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज दैट वॉज चैलेंजिंग कि विदाउट यूजिंग योर लिम्स, इवन योर फिंगर इन द फिल्म, ओनली विद दिस मोमेंट ऑफ हेड एंड वर्ड्स, साउंड, वॉइस, आई हैव टू रीच टू द पीपल इन द वर्ल्ड अराउंड। सो मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया कि ये किरदार मुझे निभाना है। I am playing that quadriplegic patient. In medical language, it is called quadriplegia. Spinal cord, jiski kaam se gayi hai, aise aadmi ka kirdaar. And I played it as per my ability. I don't know how people will react to that. I don't know, but I'm sure that they will understand that I have tried my best to give the justice to the role which is written on paper, and to bring all that which is on paper to bring all that on the screen. I have tried my best. I don't know up to what extent I'm successful. You have to decide and you have to give justice to the efforts I have taken. अब बात रही quadriplegic होने की वजह से जो गलत फहमियाँ हस्बैंड एंड वाइफ में फैल जाती है और दिन ब दिन बढ़ती जाती रहती है, इन यू नो इट इज़ मल्टीप्लाइड एवरी डे गलत फहमियाँ। तो ये फिल्म तो उस पर है, ऐसा मुझे लगता है कि गलत फहमियों के शिकार जो बन गए ऐसे पति पत्नियों की, पत्नी की ये कहानी है, जिसमें आई एम प्लेइंग द फादर ऑफ सचिन, naturally the father-in-law of Shilpa, and I don't know what Mohan Joshi is playing the role, but whatever I felt, I was excited to play that role, and I was happy to while portraying on the canvas. Thank you very much. खास मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, मैं तो उसके बारे में खास ही बोलूँगा। अब सचिन जी है, विक्रम जी है, मज़ा है मेरे लिए, तो मेरे लिए तो ठीक है। विक्रम जी के साथ मैंने इससे पहले भी कई फिल्में कर चुका हूँ, मेरी अनुमति फिल्म में उनको नेशनल अवार्ड भी है। सचिन जी के साथ मैंने पहली बार काम किया है, वो एक्टर और मैं डायरेक्टर ऐसे,
सचिन जी के साथ ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार के साथ मैं था और जिस तरीके से फिल्म का क्राफ्टिंग हुआ है, जिस तरीके से फिल्म बनी है, जिस तरीके से हमने इस फिल्म को हम ले गए, हमने बनाया, तो वो एक एक्सपीरियंस था और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। सचिन जी का एक्सपीरियंस भी मेरे काम आया। एपी एंजन जो मतलब आज के दौर में जो भी मराठी फिल्में बन रही हैं, कमर्शियल सक्सेस प्लस इतना ज़्यादा फेम मिल रहा है वर्ल्ड वाइड, उसके अनुसार उस अचीवमेंट को लेकर कितने खुश हैं आप? हम तो खुश हैं क्योंकि ये आज नहीं हुआ है, पिछले 20 सालों से मराठी के डायरेक्टर्स, नए डायरेक्टर्स, नए लड़के, नए लोग नई नई आइडियाज़ लाते रहे, नए नए सब्जेक्ट लाते रहे, नए नए प्रोड्यूसर्स आते रहे, उनको सपोर्ट करते रहे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उसमें सपोर्ट रहा है और ये 20 साल में धीरे धीरे करते करते एक ऑडियंस तैयार हो गया। आज हम वो देख रहे हैं कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री एक लेवल पर आ गई है, संख्यात्मक गुणात्मक जिसको कह सकते हैं, और आज जो थिएटर्स दिख रहे हैं, जिस तरीके से लोग पिक्चरों को देख रहे हैं, टिकट निकाल के देख रहे हैं, थिएटर भर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे जा रही है फिल्में, अमेजोन पे जा रही है, अनेक प्लेटफॉर्मों पे फिल्म जा रही है, तो इसके पीछे 20 साल की मेहनत है सब लोगों की। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का मराठी फिल्म पढ़ाना कितना ज़्यादा फायदेमंद है, कितना ज़्यादा यू नो आगे पॉजिटिव एक चीज़ सही है? मैं समझा नहीं आपका सवाल। पीपल आर वर्किंग इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मराठी फिल्म इंडस्ट्री उसके बारे में कहना चाहिए। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं इसका, मैंने अभी अभी बोगाड़िया साहब के साथ एक फिल्म की है तो वो हिंदी से हैं और उन्होंने बहुत प्रोफेशनली इस फिल्म को हैंडल किया है, वेरी नाइसली प्रोफेशनली। सारा मेरी जो लिबर्टी जो मुझे हमेशा चाहिए होती है और जो मैं लेता हूँ वो उसके साथ रहे, और इस तरीके से मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आई डोंट थिंक सो हिंदी इंडस्ट्री, मराठी इंडस्ट्री ऐसा कुछ नहीं होता, सिनेमा सिनेमा होता है। एक अच्छी फिल्म के पीछे जो खड़े हो जाए वो लोग हमारे लोग हैं, वो अपने लोग हैं, वो इंडस्ट्री है, वो फिल्म मेकर्स हैं, तो मुझे ऐसा आई डोंट वॉन्ट टू वाई फिगर दिस थिंग्स। किरदार के बारे में कहूँगी, किस तरह की फिल्म बनी है वो देखेंगे लोग तो उनके समझ में आएगा। फिल्म हमने बहुत ज़ोरों शोरों से बहुत जोश के साथ बनाई तो है और वो आई होप कि अच्छी भी बनी होगी, बनी ही होगी। मेरे किरदार के बारे में कहूँगी तो बहुत ही ज़िद्दी सी औरत है और बहुत ईजिली किसी की बात नहीं मानने वाली, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत शिद्दत से अपनी ज़िंदगी जीती है, कोशिश बहुत ज़्यादा करती है। जब उसकी समझ में आता है कि नहीं यहाँ शायद मेरी गलती हो रही है, तो प्यार भी बहुत बहुत शिद्दत से करती है और बहुत सारी गलतियाँ भी उतनी ही सिंसियरली करती है, इसलिए उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, परिणाम है, वो भी भुगतती है। सचिन सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ एक अलग रोल में वो थे, पहले वो मेरे निर्देशक रहे हैं, हदगर्दी नाम का शो हमने साथ किया था और तब भी मैं कुछ 20 साल की थी, तब भी नहीं मतलब तब थी और सो वो पोजीशन चेंज नहीं हो सकती पूरी लाइफ में, क्योंकि वो सिखाने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं, तो बहुत सीखने मिला ही है। तो राइट, इन दिनों मराठी सिनेमा काफ़ी अच्छा कर रहा है, जैसे सैराट आया और भी बहुत सारी मराठी फिल्में आई, तो क्या कहना चाहेंगे मराठी फिल्मों के लिए एक नया जो है बिजनेस मार्केट शुरू हो चुका है ऐसा मानते हैं? ये मैं कहूँगी कि देयर इज अ बेटर मार्केटिंग मार्केट फॉर इट, इट इज़ बीइंग मार्केटेड मच बेटर एंड लोगों तक पहुँचाने की कोशिश, उसमें लगने वाला पैसा बढ़ गया है इसलिए चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि सम थिंग्स मनी हैज़ टू बी इन्वॉल्व्ड इन। फिल्में अच्छी तो तब भी बनती थी, सो लोगों तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है ना वो बहुत अच्छी अभी हैंडल होने लग गई है। यस जी हाँ, सो आई थिंक मैं एक बार और मिलती हूँ आप लोगों से। सुरेश जी, अभी हमारे फिल्म के डायरेक्टर गजेंद्र अहिरे साहब को लाइन में नहीं है, सम्मान करेंगे। इसके बाद सचिन पिलगांवकर सर को, शिल्पा मैम को, केसी बोगाड़िया जी, पृथ्वीराज जी का सम्मान करेंगे और बोगाड़िया जी सर के अबाउट द फिल्म। सर आपसे
सबको सादर प्रणाम। मैं जो भी अभी बोल रहा हूँ सर, बहुत दिल से बोल रहा हूँ। मुझे जमीन से उठाकर यहाँ तक बिठा दिया, कैसी पुकारिया वो कैसी पुकारिया बनाने वाले आप ही लोग हैं, तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। बट कल पिक्चर देखी मैं, और अभी मैंने कोमल जी के साथ पिक्चर देखी। नाटा साहब जो है वो मेरे बहुत दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं वो लोग। मैंने कहा पहली पिक्चर मैं पहली ट्रायल आपको दिखाऊंगा, अगर आपको अच्छी लगी तो पूरे हिंदुस्तान को दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं। डर लगता मुझे, पहली बार मराठी फिल्म बनाई है मैं। सर आप सुनो, सचिन जी इतना खटिए फिल्म में डायरेक्ट किया होगा, और मैं गजेंद्र जी को सैल्यूट किया सर। और मेरा जो विश्वास था इनके प्रति, कई 10 साल से हम लोग आपस में दोस्त थे, तो मेरी हसन जी को बोला मैं मोस्ट प्रॉब्ली आई बी मेकिंग दिस फिल्म with these people, Kamala Hassan ji or anybody like Shah Rukh Khan, or I'm sure, because I'm convinced I'll show them and they will like me for this film. Vikram ji ka to kya jawab hi nahi hai. To main Sachin ji, Masi Nata ne picture dekhi thi, inhone to mujhe bahar aake bola, meri tabiyat khush ho gayi sir, main isliye zyada excited hu. Pehli mic mera lene ka yahi matlab tha, but otherwise to main last par bolta, lekin aap sabko dil se main sir bahut bahut badhai deta hu. आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी फिल्म बनाई गजेंद्र जी ने, और स्पेशली मेरे जो पार्टनर है सुरेश जी, इन्होंने भी दिल खोल के पैसा लगाया। तो आप सबको यहाँ आने के लिए मैं बधाई देता हूँ, आप सबको धन्यवाद बोलता हूँ, आप सबका ब्लेसिंग चाहिए। और ये जो शख्स बैठा है मेरे पास पृथ्वीराज जी, ये हमारे समाज का इज द रिचेस्ट मैन, और जितना फिल्म लाइन का साल का टर्न ओवर है उतना इस आदमी का टर्न ओवर है, ये दिखता है। इस बात से मैं जानता हूँ ये हिंदुस्तान का गोल्ड किंग है ऑफिशियली, नॉट गोल्ड किंग, वो जज वाला नहीं है, बट इनका ऑफिशियली टर्न ओवर इतना है कि मैं समझता हूँ हमारे फिल्म लाइन का साल का टर्न ओवर भी होगा जितना टर्न ओवर इनका है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, सब अच्छे लोग आए हमारे, और रिकू जी आए, सब आए। थैंक यू। फक्त मराठी चित्रपट सृष्टीतले नाही तर हिंदी चित्रपट सृष्टीतले सुद्धा मातब्बर लोक इथे आज उपस्थित आहेत, तर त्यांचेही मनापासून स्वागत। मी एक कलावंत म्हणून किंवा या चित्रपटातला एक कलाकार म्हणून, चालेल ना मराठीत बोलले तर चालेल ना, ते मला तेवढं जास्त हिंदी चांगले येत नाही, पण त्यामुळे मराठीत बोलतो। मिक्स, अच्छा मिक्स बोलू मी, ठीक मिक्स बोलले। तर एक कलावंत म्हणून मी या चित्रपटातले जे चित्रपटाचे निर्माते आहेत सुरेश भाई आणि बघाडिया साहेब यांचा, या चित्रपटाचे लेखक दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे यांचा, आणि या चित्रपट हा चित्रपट बनवण्यासाठी ज्यांचा ज्यांचा हातभार लागलेला आहे ते सर्व टेक्निशियन्स आणि माझे सहकलाकार ज्यांच्याशिवाय हा चित्रपट बनवूच शकत नाही, तर इथे बसलेले आहेत विक्रम आणि इथे शिल्पा, मोहन जोशी सुद्धा या चित्रपटात आहे। या सर्वांचे मी आभार मानू इच्छितो की त्यांच्याबरोबर काम करण्याचा आनंद मला घेता आला, निर्मात्यांचा आणि दिग्दर्शकाचा पण मी आभारी आहे, कारण त्यांनी माझा विचार केला। आज बोगाडिया साहेबांनी जर त्यांना असं वाटलं की बाबा ह्याचं काम चांगलं झालंय, तर ते त्यांना वाटण्याकरता या चित्रपटात माझी निवड होणं फार गरजेचं होतं, आणि जी निवड गजेंद्रनी माझी केली त्याबद्दल मी त्याचा आभारी आहे। थँक्यू गजेंद्र। हा माझा खूप खूप जुना असं म्हणणार नाही, पण माझा मित्र मात्र नक्की आहे, कारण तो खूप लहान आहे माझ्यापेक्षा, त्यामुळे मी खूप जुना असं म्हणू शकणार नाही, गैर होईल ते म्हणणं, पण तो मित्र आहे माझ्या सांगला, आणि त्याला आय हॅव बीन ऑलवेज ॲडमायरिंग हिम अँड हिज वर्क। आतापर्यंत त्यांनी पाहिलेले म्हणजे त्यांनी बनवलेले जे चित्रपट काही मी पाहिले, सर्व नाही पाहिले, जे काही पाहिले ते पाहून मला नेहमीच असं वाटतं कलाकार म्हणून की मला खरं म्हणजे ह्याच्याबरोबर काम केलं पाहिजे, म्हणून मी दाखवलं
आणि मग त्यांनी विचार केला. 2 वर्षापूर्वी ही गोष्ट मला त्यांनी ऐकवली आणि त्यानंतर मग काय काय झालं, कसं झालं काय ते गजेंद्र स्वतः सांगेल. पण बोकाडिया साहेबांना हा सब्जेक्ट आवडला यातच मला फार मोठा आनंद झाला होता हा चित्रपट सुरू होण्याआधी. पण त्यानंतर गोंडेच्या साहेबांनी आणि बोकाडिया साहेबांनी ज्या पॅशननी हा चित्रपट पुढे नेला, रत्नागिरीला या चित्रपटाचं चित्रीकरण झालेलं आहे. अत्यंत सुंदर जागा कोकणात, तसं पाहायला गेलं तर कोणी जास्त लोक आहेत कोकणाबद्दल, पण कोकणात कोकणाचं जे सौंदर्य आहे ते जे आहे ते आहे. आणि ते गजेंद्रनी आणि आमचे डीओपी सोरेन, कृष्णा सोरेन, तुला नाही आलं का, ते अप्रतिम काम केलं, अप्रतिम काम केलं. तर इट इज अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ सोहळा. सोहळा हा शब्द तसा पाहायला गेला तर त्याचा अर्थ आहे सेलिब्रेशन. द सेलिब्रेशन ऑफ व्हॉट, हे पण तुम्हाला या चित्रपटाचा लेखक दिग्दर्शक समजावून सांगेल. आणि मी अत्यंत स्वतः एक म्हणजे दिग्दर्शक असलो तरी सुद्धा माझ्या सेटवरती कलावंतांनी दिग्दर्शकाशी कसं वागावं हे जितक्या ठामपणे मी मानतो, तसंच मी जेव्हा कलावंत असतो तेव्हा मी दिग्दर्शकाशी कसं वागायचं याबद्दलही मी ठाम असतो. तर मला तसं राहताना पण खूप मजा येते कारण माझ्यावर संस्कार जे घडवले ते राजाभाऊ परांजपे, राजाभाऊ ठाकूरांनी घडवलेले आहेत. तर त्यामुळे त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवूनच आणि त्याच्याबरोबर काम करण्याची मजा एक वेगळी असते, त्याचं काम पाहण्याची मजा एक वेगळी असते. आम्ही तसं म्हणजे आमच्यामध्ये वयात खूप अंतर जरी असलं तरी सुद्धा त्याच्या मनाचा मोठेपण आहे विक्रमच्या, की ही हॅज ऑलवेज ट्रीटेड मी ॲज अ फ्रेंड अँड आय एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दॅट विक्रम. बऱ्याच वर्षानंतर शिल्पा बरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. याआधी आम्ही एका हिंदी प्रोजेक्टमध्ये एकत्र होतो, मराठी चित्रपटात आम्ही एकत्र कधीच काम नाही केलं. करायची इच्छा मात्र होती, मलाही दिलाही, पण संधी मिळत नव्हती. आता या चित्रपटामुळे आम्ही एकत्र आलो. सुप्रियालाही फार बरं वाटलं की आपण एकत्र काम करतोय, श्रियालाही बरं वाटलं. आणि अतिशय छान आर्टिस्ट आहे, तिने स्वतःचा दर्जा निर्माण केलेला आहे आणि तो राखलेला आहे, त्याबद्दल मला खूप आनंद आहे. आणि तिच्याबरोबर काम करायला मिळणं ही एक आनंदाचीच गोष्ट आहे. त्यामुळे थँक्यू व्हेरी मच दॅट यू हॅव वर्क विथ मी इन दिस फिल्म अँड हेल्प मी आउट इन माय वर्क. नाव घेऊ इच्छित की ज्यांनी या चित्रपटाचं संगीत दिलेलं आहे त्यांनी सुद्धा खूप, आणि पहिलं रेकॉर्डिंग जेव्हा आपण केलं तेव्हाचं ते गाणं त्यांनी जे केलं होतं, क्या बात है. जर दर्जा राखून सगळ्या गोष्टीच्या करणं ते गजेंद्रला कसं काय जमतं देवाला माहिती बाबा, पण तो करतो सगळं. आणि त्याची टीम पण तशीच आहे, त्याच्या शब्दावर नाही. आणि डिरेक्टरला हवं ते देणं हे निर्मात्याचं कर्तव्य असतं जे बजावलेलं आहे या चित्रपटाच्या निर्मात्याने, त्याबद्दल मला खूप आनंद आहे. हा चित्रपट तुम्ही जेव्हा पाहाल तेव्हा प्रत्येकाचं ओपिनियन असणारच आहे, पण सोहळा हा चित्रपट लोकांनी एकदा तरी पाहावा असं मला मनापासून वाटतं. त्याच्यात माझा थोडा स्वार्थही आहे कारण या चित्रपटात मी आहे. थँक्यू. मुकेश जैन सर, ते मागे का बसतात मला माहित नाही, ते काय माझ्या बरोबर होते. प्लीज मुकेशजी. हां, मुकेशजी नसते तर मी ह्या सिनेमा इतक्या स्मूथली करू नसतो शकलो. त्यांनी मला रिक्षापासून बोटीपर्यंत जे मागीन ते त्यावेळेला दिलेले आहे. आता मी बोलतो. थँक्यू. तर गप्पा मारताना आता त्यांना ही स्क्रिप्ट माहिती होती आणि ते म्हणले की सचिनजी आहेत व त्यांना वेळ असेल तर वाचून दाखवा मला म्हणाले. सो मी पडते गया सचिनजी बैठे थे, शांती से बैठे थे, थोडी देर पे बाद देखा मैंने, एक घंटा भर हो गया था और सचिन जी की आंखों में पानी था. राइट मैम, या तो सचिन जी बोले यस इस फिल्म को हम करते हैं. ये फिल्म है जो सीधे दिल को छू गई और मजा आएगा. बट वो मजा आएगा एक वर्ड था मुझे किक दे गया.
फिर बात आई गई हो गई, दो साल निकल गए कुछ कुछ उसके ऊपर, और एक पॉजिटिव वाइब जो डायरेक्टर को आनी चाहिए कि ये यहाँ फिल्म बनेगी और एक अच्छी फिल्म बनेगी, और अच्छी फिल्म बनने के लिए जो चीजें चाहिए, सिर्फ पैसे नहीं और भी बहुत चीजें लगती है एक अच्छी फिल्म बनने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पर है। बोकड़े साहब का ब्लेसिंग है, एक्सपीरियंस है, उनकी एक पैशन है, और मैंने देखा मुंडेजा फैमिली को कि एक परिवार है, ये फिल्म बनाने के लिए जो एक पारिवारिक माहौल चाहिए वो मुझे माहौल वहां पर मिला विक्रम सराय। माझ्या अनुमतीसाठी विक्रम सरांना नॅशनल अवॉर्ड ॲज अन ॲक्टर आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे, असे आमचे संबंध आहे। तर विक्रम सरांनी सांगितलं की एक फिल्म करतो आणि ह्या साधारण या या तारखा असणार आहे, ते अरे काय आहे ते सांग तर, म्हटलं नाही तुम्ही या मुहूर्ताला आले, मुहूर्ताला आले आणि मी ही फिल्म करतो असं सांगून गेले, आणि मग डायरेक्ट सेटवरती, मग सेटवर गेल्यानंतर दोन दिवस आधी विक्रम जी शूटिंगच्या आधी आले, दोन दिवस डॉक्टरांना फोन लावले, त्याच्याकडनं फीडबॅक घेतला, सचिन जी आले आणि एक ना किक लागली या सिनेमाची, कारण एकदम तो सिनेमा असा प्लेस झाला अशा ठिकाणी रत्नागिरी सारखं सुंदर शहर, जसं सचिन सर म्हणाले की तिथे त्याच्याविषयी कोकणाविषयी असं तसं, मला लहानपणापासून हा प्रश्न पडत आला होता की कोकणात का नाही करत लोक शूटिंग, इतकं सुंदर आहे कोकण, म्हणून हट्टाने भयो नावाचा सिनेमा अख्खा कोकणामध्ये केला होता आणि तो सक्सेसफुल झाला होता, आणि जसं जसं ते रत्नागिरीतलं जरा म्हणजे असं गजेंद्र खरे माझे संबंध कसे आहे, त्यांनी किती वर्षाचे आहेत ह्याबद्दल मी आता काही सांगत नाही, मी एवढंच सांगतो गेली 30 वर्ष गजेंद्र माझ्या शिवाई खातो आणि माझ्याकडून शाबासकी घेतो, माझ्याकडून बक्षीस पण घेतो चांदीची, ते एवढ्या करतात की तो शिवाय खातो पण तो लगेच कबूल करतो हो हो राहिला पाहिजे, आणि गिव्हन टेक करता तो नेहमी तयार असतो। मी त्याच्याकरता काय काय केलंय ते त्याला माहिती आहे, गुडघ्याभर चिखलात रात्री 2 वाजता अंधारात मी त्याच्या फार्म हाऊसवर चिखल तुडवत गेलेलो आहे आणि दुसऱ्या दिवशी पासून त्याचं काम केलंय, 30 वर्षापूर्वीची गोष्ट। कोणी पाहिलं तुमच्यापैकी अंगमती, मला माहिती नाही या अंगमतीची शेवटची 5 मिनिटाचं डबिंग चालू असताना हा पठ्ठ्या शेवटचं त्याचं जे काही विदाउट लिप्सिंग काही म्हणायचं होतं जे फक्त वाईलमध्ये डब करायचं होतं वाईलमध्ये, ते त्यांनी लिहिलं नव्हतं आणि पुढच्या 10-15 मिनिटात माझं काम संपत आलं पुण्यामध्ये नरेंद्र भेडेच्या स्टुडिओमध्ये, तो म्हटलं तुम्ही एवढं काम पूर्ण करा तुमचं 10 मिनिटाचं, मी तुम्हाला आत्ता आणून देतो असं म्हणून तो वरती टेरेसमध्ये जाऊन बसला आणि माझं डबिंग संपायच्या ते तो घेऊन आलेले आणि ते अजरामर होण्या इतकं त्याने सुंदर लिहून आणलं, इतकं तो विलक्षण गतीने काम करतो, त्यामुळे त्याने कितीही चुका केल्या तरी आमची किती शिव्या खाल्ल्या माझ्या तरी सुद्धा तो अत्यंत संवेदनशील असा दिग्दर्शक आहे, लेखक आहे मूळ या बाबतीत, ह्या सगळ्याच्या बाबतीत तसं झालं, फक्त काही 2-4 गोष्टी राहून गेल्या होत्या तेवढ्याच मी त्याला सांगितल्या आजच्या दिवशी, आणि आम्ही लगेच दुसऱ्या दिवशी त्या कामाला लागून त्याने त्या सगळ्या ऍक्सेप्ट केला, तो सिनेमा झाला, तो सिनेमा सुंदर झालेला असावाच। एक गंमत सांगतो, 2 अभिनेत्री जेव्हा समोरासम काम करतात आणि तितक्या जवळून त्यांनी पूर्वी कधी, आणखीन एक सांगतो, हा जो इथे पठ्ठ्या शेजारी बसलाय माझ्या, हा रात्रंदिवस सिनेमाच खातो पितो झोपतो आणि हे सगळं तो करतो, त्याच्या पाठीमागे त्याची ती बायको तिथे बसलेली त्याच्यासाठी टाळ्यांचा गजर होतो, अशी सगळं फोर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। सचिन आज आहे त्याची बायको सुप्रिया, माझ्या अतिशय लाडक्या अभिनेत्री ज्या आहेत त्याच्यात सुप्रिया एक आहे, शी इज अ वंडरफुल ऍक्टर, वंडरफुल। आम्ही थिएटरमध्ये वी हॅव शेअर्ड अवर एक्सपिरियन्सेस ऑफ ऍक्टिंग, तर अशा तरी चांगला सिनेमा तयार होणं आणि तो चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लॉइट होऊन चांगल्या पद्धतीने निर्माण घातलेले पैसे तरी त्या निर्मात्याला परत मिळावे अशा ठिकाणी योजना आखत गजेंद्र सचिन मी किंवा आमच्यासारखी काही माणसं प्रयत्नशील असतो।
खूप वेळा तर उंचा घेणार नाही, कारण इतकी मोठमोठी माणसं माझ्या बरोबर बसली आहेत, त्यामुळे बोलावं असंही काही फार वाटत नाही. इतकं नक्की म्हणेन, या सगळ्यांचं रजा बरोबर आहे त्यापेक्षा माझं खूप वेगळं नातं आहे. तो म्हणला तसा तो कॉलेजला नव्हता माझ्याबरोबर, तो खूप आधी बाहेर पडला होता. वी लाईक टू से दॅट नाव आय एम शुअर. पण नॉनदलेस सगळ्यात मोठं सुख गजाबरोबर काम करण्याचं हे की मला फार विचार करून मागावं नाही लागलं, आणि हे सुख प्रत्येकाला आमच्या इंडस्ट्रीत मिळतं असं मला वाटत नाही. सो तो कम्फर्ट झोन भांडायचा, रागवायचा, इरिटेट व्हायचा आणि त्याच्या मॅडनेसमध्ये वेळ व्हायचा, हे सुख वेगळंच आहे. गजानी याच सब्जेक्टवर नाटक ऐकवलं होतं मला, जे झालं नाही आणि ते नाही होते हे सांगण्याची तसदी त्याने घेतली नव्हती. पण तो सिनेमा घेऊन आल्यावर ऑफकोर्स त्याला अनेक वेळा माझ्या आयुष्यात माफी आहे, त्यामुळे आय हॅव टू ॲक्च्युली टुडे से थँक यू, की मी आभारी आहे तुझी, कारण या सिनेमामुळे तुझ्याबरोबर काम करण्याची संधी तर मी तुला दिलीच. पण सचिनजी, विक्रम काका, सचिनजींना पण मी इतक्या सहजासहजी सोडणार नव्हतेच. पण येस, विक्रम काका वॉज अ लिटल हार्ड टू फाईंड, आणि जो काही दीड सीन मला त्यांच्याबरोबर होता त्याबद्दल मला खूप मजा आली त्यांच्याबरोबर काम करताना. हे सगळे मोठमोठे लोक आजूबाजूला असताना एखाद्या स्पंजसारखं फक्त त्यांचं काम, त्यांचं वागणं, त्यांचं बोलणं, त्यांचे विचार सगळं फक्त सोक करून घ्यायचं. ते काम बघत बसावं आपण, ते पाहत बसावं की शिकावं की आपला अभिनय करावा, हा खूप मोठा गोंधळ माझ्यासमोर असायचा. आणि मी म्हटलं तसं मुकेशजी आणि बोकाडियाजी, हो मीही आभार मानतेच, कारण आमच्या मराठी सिनेमाबद्दल तुम्ही दाखवलेला विश्वास, आस्था यासाठी आम्ही सगळेच आहोत, आणि मी विशेषतः तुमच्या आभारी आहे या संधीसाठी सुद्धा. आणि असेच अनेक मराठी सिनेमे तुमच्याकडून होत राहावेत आपके हौसले से, मेरा हौसला बढ़ा. मैं कोमल जी एक लाइन बोलेंगे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी, दिल से बोल रहा हूँ आपका, आई रिस्पेक्ट यू. मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, गजेंद्र हीरे जी, विक्रम जी नमस्ते, सचिन जी, शिल्पा जी, बहुत यहाँ है, मतलब इट इज आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी पिक्चर. सचिन सर को भी सर इधर कैमरा पीछे लेना यार, पर सर इधर देखिए. खुलते खुलते हुए भी लुक चाहिए. अरे मैं ऊपर नीचे रखो भाई, तुम मेरे से इतना क्लियर आ रहा है ना, देख यार जा रहा है. मी घरी जाऊ शकतो, माझा 18 किलो आहे, त्याच्याकडे 17 नाही आहे. एवढं जवळ कसं आपला आवाज आहे ना सर, थोडा सर हा बोल खाली करा नॉर्मल सर. कुठला मॅडम? सर मॅम, 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 धन्यवाद. थँक्यू. परत मी धन्यवाद करतो. थँक्यू. सर क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में, फिल्म किस तरह की है, क्योंकि आपका जो किरदार है काफी जो है बहुत अच्छा लग रहा है किरदार. सबसे पहले तो सोहरा नाम की ये फिल्म है,
मराठी में, जिसको कि डायरेक्ट किया है गजेंद्र अहिरे ने, लिखा भी उन्होंने ही है, और इस फिल्म के जो निर्माता हैं वो बोकाड़िया साहब हैं और सुरेश गुंडेचा जी हैं, मुकेश जैन हैं, और मेरे सह कलाकार हैं, मेरे वाइफ का रोल कर रही हैं शिल्पा तुरस्कर, मेरे फादर का रोल कर रहे हैं विक्रम गोखले, मोहन जोशी भी इस फिल्म का एक बहुत अहम हिस्सा है, वो इस फिल्म में एक वकील का रोल कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कलाकार इस फिल्म में जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, और एक सेंसिटिव फिल्म बनाने की कोशिश की है गजेंद्र अहिरे ने, जिसका नाम है सोहड़ा, और जिसमें मैं जो किरदार निभा रहा हूँ वो भी बहुत ही सेंसिटिव है। जब आप इसका पोस्टर देखेंगे या आप इसका ट्रेलर देखेंगे तो आपको इस चीज़ का अनुमान होगा कि ये सेंसिटिव कैरेक्टर है, और इसकी सेंसिटिविटी किस किस डेप्थ में है, और जब आप फिल्म देखेंगे तब हो सकता है आप को सिंपथी भी महसूस हो इस कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि ये अलग किस्म का रोल मैंने करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे सामने ऐसा रोल लेके आया गजेंद्र, जो कि मैंने इससे पहले कभी ऐसा रोल किया नहीं था, और जो नहीं किया होता है वो करने का आनंद, करने की खुशी बिल्कुल अलग होती है, और जो मुझे मिली इस फिल्म में काम करके, जिसके वजह से मैं बोकाड़िया साहब का, गुंडेचा साहब का और गजेंद्र अहिरे का मैं शुक्रगुजार हूँ। राइट सर, बहुत सारे एक्टर्स ऐसा सोचते हैं कि जब हम लोग ओल्ड आदमी का रोल करते हैं तो फिर मतलब दूसरे रोल्स मिलना बंद हो जाते हैं जो होते, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि आमिर खान ने भी एक ऐसा किरदार निभाया था दंगल में, उसके बाद जो है फुल फ्लेज रोल में आ रहे हैं, तो आपकी क्या सोचते हैं? आपका कहने का मतलब है जो ओल्ड के रोल होते हैं वो फुल फ्लेज नहीं होते, फुल फ्लेज होते हैं लेकिन या सेंट्रिक नहीं होते? नहीं, फिर ऐसे रोल दंगल में आमिर खान का रोल सेंट्रिक ही था जी, लेकिन आगे ऐसे इस फिल्म में भी मेरा रोल सेंट्रिक ही है जी, लेकिन एक्टर ऐसे सोचते हैं कि आगे उसी तरह के रोल उन्हें ऑफर होंगे, तो उस बारे में ऐसा कुछ, देखिए स्टैंप लगाना इंडस्ट्री का काम है, पिक्चर एक्सेप्ट करना, रोल एक्सेप्ट करना या नहीं करना एक्टर का, तो मेरे ख्याल से इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, इसमें कोई अपना आप फंस जाएंगे या आपको पुलिस पकड़ लेगी या आपको सज़ा होगी, ऐसा तो कुछ नहीं, आप अगर नया रोल कर रहे हैं, नया किरदार कर रहे हैं तो अपने ढंग से कीजिए, और उसके बाद अगर आपको ऐसे भी रोल मिलते हैं, ना बोलना आपके हाथ में है और हाँ बोलना भी आप ही के हाथ में है, अगर अच्छा रोल आया उस वक्त मैं फिर अभी मैं उम्र नहीं देखना चाहूँगा अभी, क्योंकि मुझे अभी डुएट्स गाने हैं नहीं, मुझे आई डोंट वॉन्ट टू रन अराउंड द ट्री एट ऑल, मुझे अभी वो गाने कौन दिशा में लेके चला रहे बटोहिया नहीं गाने हैं, मुझे रोल्स करने हैं, मुझे एक्टिंग करनी है, एज एन एक्टर मुझसे जो योगदान होता है वो करने की मुझे कोशिश करनी है अभी, इसलिए मेरे लिए कोई डर वाली बात नहीं है कि मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा और वो करूंगा तो ये हो जाएगा। आपके किरदार निभाते हुए ऐसी कोई सीन जिसमें आप बहुत ज़्यादा सोचने पर नहीं, ये फिल्म बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं इस फिल्म के जिसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ, लेकिन अगर मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा या डिस्क्राइब करना चाहूँगा तो मुझे कहानी रिवील करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं, मैं यही कहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि इस फिल्म में काम करते वक्त मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी को मेरी सेंसिटिविटी के साथ में जब मैंने जोड़ा तो उसका जो एक आनंद आया वो एक्सपीरियंस अलग है, और एक्सपीरियंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इट हैज टू बी एक्सपीरियंस। सर, जी मैं जानना चाहूंगा कि जो कंटेंट होते हैं मराठी फिल्म के, आप देखें कमर्शियल सक्सेस ही मिल रहे हैं और काफी ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे कि कितना जरूरी था पहले ही होना चाहिए थे? नहीं, मेरे ख्याल से हर चीज़ का एक वक्त होता है, उससे पहले वो चीज़ नहीं होती। आज मराठी फिल्म इंडस्ट्री को ये रुतबा मिला है और ये दर्जा मिला है तो किसी ने उस पर एहसान नहीं किया, वो आई थिंक मराठी फिल्म इंडस्ट्री हैज़ अर्नड दिस फ्रॉम इट्स गुड क्वालिटी वर्क, एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ इंडस्ट्री को आप उसकी जो है वो क्रेडिट नहीं दे सकते, आपको ऑडियंस को भी उसका क्रेडिट देना पड़ेगा, बिकॉज ऑडियंस ही फिल्म को रिकग्नाइज करती है, उसको बड़ा करती है, आपने चाहे कितनी भी कोशिश की होगी अगर सामने वाला जो है वो उसको नहीं टॉलरेट कर रहा है या नहीं अप्रिशिएट कर रहा है तो आपकी जो कलाकृति है, जो आपकी मेहनत है वो उसका चीज़ उसकी नहीं, उसको उसका वो, मतलब वो फल नहीं दे पाता, लेकिन ऑडियंस आज इतनी सशक्त हो गई है कि वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी अपनाने के लिए तैयार है आज की डेट, तो हमारी ऑडियंस को क्रेडिट सबसे पहले जाता है और इंडस्ट्री को उसके बाद भी जाता है।
ओके सचिन जी, डू यू एग्री विद दिस पोस्ट सेराट? यू नो पोस्ट सेराट बोल पीने ना बहुत बड़ा है, मतलब यू कौन लेवल हाई से तो सब अप्रिशिएटिंग इट. यू नहीं कमर्शियली इट इज वन ऑफ द स्टैंडिंग पॉइंट इन द इंडस्ट्री. वेल आई फील सेराट इज अ प्लस पॉइंट फॉर द इंडस्ट्री फॉर श्योर. बिकॉज जब भी कोई फिल्म चलती है तो इंडस्ट्री का भला ही करती है, बुरा करने से रही फिल्म. तो मैं ये नहीं कह सकता कि सेराट इज द ओनली एग्जाम्पल. कमर्शियली फिर मैं कमर्शियली ही बात कर रहा हूँ, आज से तकरीबन 1988 को कितने साल हो गए, 30 साल हो गए. 1988 को मेरी फिल्म आई थी, उसका नाम था अशी बनवा बन. आपकी समझ में आई बात? हाँ, 1988 को आई थी, 23 सितंबर को रिलीज हुई थी. वी शांताराम जी ने वो फिल्म प्रोड्यूस की थी और मैंने डायरेक्ट की. और एक नायाब फिल्म, एक कल्ट फिल्म, एक मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म के नाम पे वो फिल्म आज भी गिनी जाती है. मेरे खैर मेरे अपने मुंह से ये कहना मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन आपने बात निकाली है इसलिए मैं बता रहा हूँ. क्योंकि हर दौर में किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ देने की कोशिश जरूर की है, जिससे मराठी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हमेशा ऊपर ही चढ़ते आई है. दे आर मोस्ट वेलकम. जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहिए. मैं तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री क्यों बोलूँ, मैं तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तो है. तो उसमें जितने भी लोग आना चाहें, मैं एक सीनियर मेंबर ऑफ दिस इंडस्ट्री होने के नाते उनको मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा. विक्रम, आई हैव वर्क्ड विद विक्रम लॉन्ग बैक इन अ फिल्म कॉल्ड कुंकू, एंड आई हैव बीन ऑलवेज एन एडमायरर ऑफ मिस्टर विक्रम गोखले, नॉट ओनली मी बट माई एंटायर फैमिली. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विद विक्रम, एंड ही हैज डन एन एक्सलेंट जॉब इन दिस. थैंक यू सर.